इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले वही सारी प्रोसेस लॉग लेते हैं, ठीक है, टेकिंग लॉग बॉक्स साइज, ठीक है, लॉग लेंगे तो कितना, लॉग फाइव इज इक्वल्स टू लॉग x प्लस थ्री होल स्क्वायर, x प्लस फोर क्यूब, x प्लस फाइव की पावर फोर, ठीक है, एंड लॉग y। अब एक बात सोचो, अगर इस पूरे का मुझे लॉग लेना है तो यहाँ पर जो टर्म है, यहाँ पर देखो कैसी टर्म आ रही है, प्रोडक्ट वाली आ रही है, तो प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, किसका, लॉग का प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसको जब ये मल्टीप्लाई में है तो इसको तोड़ के कैसे लिखेंगे, देखो लॉग x प्लस थ्री का होल स्क्वायर प्लस लॉग x प्लस फोर का होल स्क्वायर प्लस लॉग होल क्यूब सॉरी एंड x प्लस फाइव की पावर फोर, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब यहाँ थोड़ा सा और कन्वर्जन हो सकता है, देखो जरा, अब फिर से फॉर्मूला लग सकता है, लॉग x की पावर n वाला, लॉग x की पावर n, लॉग x की पावर n, तो इसको थोड़ा और हम सिंपलीफाई कर सकते हैं, देखो कितना रहेगा, 2 log x plus 3, 3 log x plus 4, 4 log x plus 5, ये बात समझ में आ गई पूरी। अब करना है हमें डेरिवेटिव, ठीक है, तो सिंपल सी लैंग्वेज लिखते हैं, टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड With respect to x, ये होगी, ठीक है। तो आप देखो इसे सॉल्व कैसे करना है, बहुत इजी हो गया हमें सॉल्व करना। पहले अगर आप देखते इस फॉर्म में, अगर इसे सॉल्व करने की सोचते, अगर डेरिवेटिव लेने की सोचते तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता, बहुत क्रिटिकल हो जाता, पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है, दिक्कत हो जाती। तो आप देखो ये कितना इजी हो गया, आप डेरिवेटिव लेंगे तो कितना हो गया, देखो अगर log y का डेरिवेटिव लोगे तो 1 / y dy over dx, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2 log x plus 3 का लेना है हमें डेरिवेटिव, ठीक है, तो एक काम करते हैं, 2 तो कॉमन आ जाएगा बाहर, अंदर के बचेगा d over dx log x plus 3, 3 d over dx log x plus 4 plus 4 d over dx log x plus 5, ये हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं, 1 upon y dy over dx equals to 2 into log x का होता है 1 upon x, तो log x plus 3 का कितना हो गया 1 upon x plus 3, तो इसको सीधे लिख लेते हैं 2 upon x plus 3, उसके बाद x plus 3 क्या करोगे तो 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से वही आ जाएगा, तो इसलिए आगे सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा 3x plus 4, समझ में आ गया, फिर x plus 4 का लोगे तो एक आएगा 1 और एक आएगा 0, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर इतना ही आ जाएगा, तो इसलिए x plus 4 का नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब 4 upon x plus 5 ये हो सकता है, ठीक है, अब 4 upon x plus 5 हो गया, तो x plus 5 की जब करोगे चेन रूल के हिसाब से तो सेम रहेगा वही, ठीक है, कुछ नहीं आने वाला, तो इसलिए हमने क्या किया, इतना ही कर लिया इसे सॉल्व। अब कैसे करना है देखो, 1 upon y dy over dx is equals to x plus 3, x plus 4, x plus 5, ये क्या फ्रैक्शंस है ना, भिन्न है तीनों, तो इनका अगर एडिशन मुझे करना है तो एडिशन कैसे होगा, एलसीएम लेना पड़ेगा पहले, तो पहले एलसीएम लेते हैं, कितना है एलसीएम, x plus 3, x plus 4, x plus 5, आप क्या करेंगे x plus 3 से इसको डिवाइड करेंगे, ये तो रूल होता है, पहले क्या करेंगे x plus 3 से x plus 3 को डिवाइड करेंगे, तो x plus 3 से x plus 3 तो कट गया, बचा कितना x plus 4 और x plus 5, तो हमें क्या करना होगा 2 की मल्टीप्लाई करानी होगी x plus 4 और x plus 5 से, सेम ऐसे ही यहाँ 3 की मल्टीप्लाई कराएंगे किससे, x plus 4 से x plus 4 कट गया, बचे कितने x plus 3 और x plus 5, तो यहाँ आप लिखोगे x plus 3 एंड x plus 5। अब यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई कराओगे किससे, x plus 3 और x plus 4 से, क्योंकि x plus 5 से ही कट गया, ठीक है, तो x plus
थ्री एंड एक्स प्लस फोर। बात समझ आ गई, क्लियर है, कोई डाउट? अब देखो सिंपली, अब आपको क्या करना है, वन अपॉन बाई डी वाई ओवर डी एक्स, वन अपॉन बाई डी वाई ओवर डी एक्स हमने लिख लिया ये वाली टर्म। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, देखो कैसे। पहले क्या करना होगा, x plus 4 और x plus 5 की क्या करानी होगी, आपस में मल्टीप्लाई करानी होगी, ऐसी सेम यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे, ऐसी सेम यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर उसकी भी क्या करेंगे, 2 से मल्टी कराएंगे, यहाँ पे 3 से मल्टी कराएंगे और यहाँ पर 4 से मल्टी कराएंगे, जो कटेगा वो काट देंगे, जो नहीं कटेगा वह ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आप देखो क्या है, x की x से कराएंगे तो एक्स स्क्वायर कितना, यहाँ पर 2 है ना, तो ब्रैकेट लगा रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस कितना 5x प्लस 4x प्लस 20 ये हो गया, ठीक है, प्लस 3 से मल्टी करा रही है, x स्क्वायर और 5x, x स्क्वायर एंड 5x प्लस 3x, 3x प्लस 15, 3x प्लस 15 ये हो गया। उसके बाद प्लस 4 से मल्टी कराएंगे, यहाँ पर यहाँ कितना होगा, x स्क्वायर प्लस 12, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 ये हो गया, ठीक है। और जो नीचे चल रही टर्म वो सेम ऐसे ही रहेगी, x प्लस 3, x प्लस 4 और x प्लस 5, x प्लस 3, x प्लस 4 एंड x प्लस 5 ये हो गई। फिर से सेम, 1 अपॉन y dy 1 dx। अब यहाँ देखो x स्क्वायर मैं काम कर रहा हूँ, 2 की मल्टीप्लाई अंदर करा रहा हूँ, तो कितना हो गया 2x स्क्वायर। अब एक चीज समझो, थोड़ा सा सॉर्ट कर रहा हूँ, 5x प्लस 4x कितना 9x, और 9 की जब 2 से मल्टीप्लाई होगी 18x, 18x प्लस 2 की अगर 20 से होगी 14। अब सेम ऐसे ही 3x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3 कितना 18, और 18 की कितना 24x हो जाएगा, ठीक है, 8 हो गया और 30 हो गया, नहीं सॉरी 45 हो गया, प्लस 4x स्क्वायर प्लस 28x प्लस 48 और यहाँ कितना x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5, ठीक है। अब बताओ यहाँ तक कोई परेशानी? अब क्या करना है, देखो x स्क्वायर वाली टर्म, x स्क्वायर वाली टर्म के साथ जुड़ जाएगी, तो यहाँ पर देखो कितना है, 2x स्क्वायर, 3x स्क्वायर कितना हो गया 5x स्क्वायर, और 5x स्क्वायर को 4x स्क्वायर के साथ जोड़ेंगे तो कितना हो गया 9x स्क्वायर। तो 1 upon y dy over dx is equals to 9x स्क्वायर प्लस, अब इसको ऐड कर दे 18x, और यहाँ देखो कितना 18 है और 24 है और कितना 28 है, कितना हो रहा है कुल मिला के 8 8 16 10 20 70 हो रहा है क्या, हाँ ठीक है ना, 70x प्लस यहाँ पर देखो कितना हो रहा है 40 और 85 और 48 8 5 13 133 कितना ही हो रहा है ना, ठीक है। x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5 ये हो गया। अब देखो क्या करना है, क्वेश्चन यहाँ था इतना बड़ा क्वेश्चन, अब थोड़ा सा छोटा हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या, इस y को इस तरह मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, dy over dx equals to by 9x square plus 70x plus 133 upon x plus 3, x plus 4, x plus 5। y की वैल्यू रख देते हैं, dy over dx equals to x plus 3 का होल स्क्वायर इनटू x plus 4 का होल क्यूब इनटू x plus 5 की पावर 4 कितना हो ना, ठीक है। एंड अब यहाँ पर देखो 9x स्क्वायर प्लस 70x प्लस 133 कितना हो गया, और यहाँ के देखो कितना x plus 3, x plus 4 एंड x plus 5। अब गौर से देखो तो एक बात समझ में आएगी कि ये सब क्या है, मल्टीप्लाई में ना, यहाँ बीच में क्या होगा, मल्टीप्लाई के साइन। तो अगर मैं x प्लस 3 से x प्लस 3
कैंसिल हो जाएगा हाँ। ना तो यहाँ पर कितने हैं, दो एक्स प्लस थ्री है ना, तो एक तो कैंसिल हो गया x प्लस फोर, यहाँ कितने तीन x प्लस फोर है ना, दो बचे, एक तो कैंसिल हो गया दो बचे, और x प्लस थ्री सॉरी x प्लस फाइव से x प्लस फाइव भी कैंसिल हो जाएगा, कितने बचे यहाँ पर थ्री। तो इस अगली टर्म क्या होगी हमारी d by over dx सर x प्लस थ्री x प्लस थ्री जी वहाँ पर तैंतीस सर x प्लस थ्री जी 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 133 होगा यहाँ पर जी जी। अब यहाँ पर देखो x प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस फोर स्क्वायर इंटू एक्स प्लस फाइव का होल क्यूब, यही हुआ ना, और अंदर क्या बचा ब्रैकेट में 9x स्क्वायर, ये तो कट गया सर, 9x स्क्वायर प्लस 70x प्लस 133, ठीक है ना, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है।